हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने सरस मेला 2024 का सेक्टर 5 के परेड ग्राउंड में मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। देवेंद्र बबली ने कहा कि सरस मेले में देश भर के विभिन्न स्वयं सहायता समूह अपने उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री कर रहे हैं। इस मेले में देश भर से स्वयं सहायता समूहों की लगभग 400 महिला कारीगरों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाकर बिक्री के लिए लगभग 200 स्टॉल लगाए हैं। देवेंद्र बबली ने कहा कि पंचकुला एक मेट्रो सिटी है, यहाँ पर सरस मेले का आयोजन एक तरह से ग्रामीण तथा शहरी व्यवस्था का अद्भुत संगम है। देवेंद्र बबली ने बताया कि हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 लाख लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है, जिसके तहत इन महिलाओं को चयनित कर ट्रेनिंग करवा कर आजीविका के साधनों के साथ जोड़ा जाएगा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पंचकुला मोरनी कालका बरवाला की स्वयं सहायता समूहों को नए प्रोडक्टों की जानकारी मिलेगी, उन्हें पता चलेगा कि कैसे अपने व्यवसाय को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने उपायुक्त को कहा कि वो अपने जिला की सभी स्वयं सहायता समूहों को यहां पर विजिट करवा कर तकनीक व व्यापार से अवगत करवाएं। सरस मेले में बेस्ट स्टॉलों को किया सम्मानित। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली व हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने खाने के स्टॉल में प्रथम पुरस्कार जिंद को, दूसरा पुरस्कार अम्बाला को व तीसरा पुरस्कार राजस्थान को दिया। हैंडलूम में मध्य प्रदेश को पहला, उत्तराखंड को दूसरा व हिमाचल प्रदेश को तीसरा स्थान का पुरस्कार दिया गया। प्रदेश स्तर पर पंचकुला को प्रथम, फतेहाबाद को दूसरा व अम्बाला ने तीसरा स्थान हासिल किया। किन्नर समाज को विशेष तौर पर पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अब क्या कहना है? सरस मेला 2024 का आयोजन किया गया है। मैं सबसे पहले तो यहाँ जितने भी हमारे प्रदेशों से हमारी बहनें आई हैं उनको बहुत बहुत उनका हमारे हरियाणा इस पंचकुला की पवित्र धरती पर स्वागत भी करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखपति दीदी का सपना कि हमारी बहनें किसी भी कार्य में पीछे ना हो और अपने पैरों पर खड़ी हो अपने साथ साथ अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, मेलों के आयोजन से उनको एक प्रोत्साहन मिलता है, एक अच्छा प्लेटफार्म मिलता है और वो खुद में सेल्फ सस्टेन होकर अपने परिवार का अच्छे से पालन कर नहीं। पहले भी ये मेले होते रहे हैं, पिछली बार गुड़गांव में था, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र में आपने देखा होगा कि बहनों को सम्मानित भी किया था और आज ये पंचकुला में मेला है, इसे बहुत लाभ हमारे देश की बहने हैं उन बहनों को मिलेगा। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी के कई नेता बयान दे चुके हैं कि 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं वो, तो गठबंधन का कहां तक रहेगा, क्या कहना? इंडिया गठबंधन ने जो है सीटों का बंटवारा कर लिया है। देखिए आज हमारा भारत देश माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा, देश का सम्मान बढ़ा है। किसी की बातचीत की अपने खुशी संपूर्ण भारत मजबूत भारत का जो सपना हर हिंदुस्तानी का है और आज उसको बढ़ाने के लिए आम नागरिक का भी एक विश्वास आज की सरकार पर बढ़ा है और हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं और बड़े बदलाव अंतिम छोर में बैठे आखिरी परिवार तक उसका लाभ पहुंचे, वो फैसिलिटी के लिए नए सरकार उसको दबा कर जाए, ऐसी योजनाओं का सुचारू और जो गठबंधन की बात कर रहे हैं दोनों पार्टियों के नेतृत्व ने तय करना है वो फैसला बड़े लेवल पे बड़े नेतृत्व में करना है और जैसा भी फैसला होगा प्रदेश में। कांग्रेस में कहीं ना कहीं इंतकले देखने को मिल रहा है, हर जगह पे एक तमाशा हो रहा है, क्या कहना चाहिए? वो उनकी पार्टी का मामला है, उस पर मैं मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, प्रदेश की जनता सबसे। एक किसानों की बात और ले लेते हो, किसानों ने कहा है कि रेल रोको करेंगे, दिल्ली कूच को उन्होंने रोक दिया है, तो आप कैसे देखते हैं? देखिएगा आज किसान के हालात पहले से काफी बेहतर बढ़े हैं। हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जो 14 फसलों का एमएसपी पर खरीदता है, वेजिटेबल हमारी सब्जियों को और अनेकों ऐसी स्कीम्स और योजनाएं हैं किसान के इनकम बढ़े उसके लिए सरकार ने तीन हाफ देखो के भाव योजना के तहत पैसा देने की बात हो, प्रोत्साहित राशि साल में देने की बात हो, अगर कोई नुकसान होता है वो नुकसान डायरेक्ट खातों में देने की बात हो, फसल बेचने के बाद जो बिचौलियों के चक्कर में से किसान को चुनने के बाद निकाल कर डायरेक्ट उनके खाते में देने की बात हो, मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए किसान पहले से खुशहाल हुआ है और काम करने की जरूरत है, सरकार उस काम को करने लगी है। आप पहले नहीं थे जिसने लाइन से हटे किसानों का साथ दिया था उस टाइम पे, अब दोबारा भी हम किसानों के साथ थे, आज भी हम साथ हैं, भारत सरकार के साथ, हरियाणा सरकार के साथ,
किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी, और जो असली प्रदेश का हो चाहे हमारे देश का विकास हो, वो हमारे गांव की गलियों से कुर्बान होता है। आज गांव आप देखेंगे विकास के पथ पर हमने मजबूत कदम आया है और गांव में एक व्यवस्था परिवर्तन आपको नजर आई होगी। गली नाली और चौपाल की जो बातें थी उससे हम आगे बढ़ाते हैं। उसके कार्यक्रम के माध्यम से आज शहरीकरण के जो भाषण थे उसको हमने बताया। और वो कार्य आम नागरिक परेशान ना हो उसको प्रशासन के जो हमारे अधिकारी हैं उनका उनका करना उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो अपना कार्य करते हैं। आजीविका मिशन के तहत किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक सपना कि देश के विकास में, देश के निर्माण में महिलाओं का योगदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हमारी चार जातियाँ जिसमें किसान, महिला, युवा और गरीब, तो उस दृष्टि से महिलाओं के उत्थान के लिए यह सरस मेला जिस प्रकार से आदरणीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से पंचकूला में आयोजन किया जा रहा है, मैं उसके लिए आदरणीय रविंद्र बबली जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि पंचकूला और उसके आसपास के लोगों को पूरे देश की विभिन्न जो निर्माणित निर्माण की हुई चीज़ें हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो घरों के अंदर बैठकर के बनाने वाली चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों का स्वाद देखने का, चखने का यहाँ पर अवसर मिल रहा है। और जितने भी हमारे यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं बहनें हमारी आई हैं, हमने उनके लिए यहाँ पंचकूला के अंदर विशेष इंतजाम किया है ताकि उनको किसी प्रकार का कोई यहाँ तकलीफ ना हो। डिपार्टमेंट की अंदर से ओर से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, और ये जो सरस मेला 1 तारीख से शुरू होकर के 12 तारीख तक ये रहने वाला है। मैंने आदरणीय डिप्टी कमिश्नर से कहा है कि जो हमारे इस पंचकूला के आसपास की हमारी बहनें हैं उनको ला करके इस मेले के अंदर वो दिखाएं, ताकि वो प्रेरणा लेकर के वो भी देश के निर्माण में अपना सहयोग कर सकें। तो इस दृष्टि से ये एक सरस मेला एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि प्रदेश के लिए और विशेष तौर पर पंचकूला के लिए एक नई दिशा, एक नया जो महिलाओं के लिए एक प्रेरणा लेकर के। थैंक यू। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।